बता दी, लेकिन ये बात इसलिए बता रहा हूं कि मैं देख रहा हूं बहुत सारे जवान यहां पर खड़े हैं मेरे दोस्तों, एक पाप, एक गुनाह, एक जुर्म जो मैं करूं या आप करें, हमारे नबी फरमाते तुझे मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। वो क्या जुर्म है? आज हमारी माँ हमसे नाराज तो नहीं है, हमारा बूढ़ा बाप हमसे नाराज तो नहीं है? मेरे दोस्तों थोड़ा शर्म करो, ये जवानों माँ को माँ की गाली देते, अब मेरे दोस्तों माँ को घर से निकालने की फिक्र करते। आज क्यों क्यों हमको माँ अच्छी नहीं लगती, क्यों माँ को घर से निकालने की फिक्र करते? बाकायदा इतना बेशरम है, फोन करता है, मोबाइल से फोन करता अपने भाई को, हेलो। वो भाई कहता क्या हुआ? कहा 15 दिन हो गए। क्या मतलब 15 दिन हो गए? यानी मेरी बारी खत्म हो गई, अब माँ को तू ले जा। तो माँ ने हमारे वास्ते बारी मुकर्रर की थी, बच्चों के वास्ते बारी मुकर्रर की थी। अरे मेरे दोस्तों हमको शर्म नहीं आती। कितने लोग क्या बोलते, मेरी माँ तो रात को 10 बजे सो जाती है, दरवाजा बंद कर देती। और मेरे दोस्तों सोती नहीं है, अल्लाह की कसम हमारी माँ सोती नहीं है, रोती है और रो रोकर अल्लाह को कहती है, अल्लाह 5 बच्चों को बड़ा कर दिया, आज 5 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं संभाल सकते। मेरे दोस्तों माँ की बद्दुआएं लेते हो? माँ क्या चीज है, माँ क्या चीज है मेरे प्यारो? माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत को बिछाया है। मैं बात करके बात खत्म करूंगा, पूरा मजमा सुनेगा। अल्लामा मुंजिरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में वाकिया लिखा, एक सहाबी, बोलो जल्दी जल्दी बोलो कौन, एक उनकी माँ की उम्र 100 साल, बोलो माँ की उम्र कितनी। लेकिन वो सहाबी क्या करते थे मालूम, फजर से पहले बाग में जाते थे, कौन से फजर से, और वहां मजदूरी करते थे। और उनको मालूम था कि मेरी माँ सोती रहती है, 100 साल है, मेरी माँ में उठने बैठने की ताकत नहीं। वो फजर से पहले बाग में जाके मजदूरी करते थे और 2-3 घंटे के बाद आते थे, अपने हाथों से खाना पकाते थे, बोलो अपने हाथों से ठंडा ठंडा पानी लेकर आते, फिर अपनी माँ को धीरे धीरे उठाते, माँ मेरी माँ मेरी माँ उठ जा, माँ को नहलाते धुलाते खाना खिलाते पानी, और मालूम खाना खिलाते खिलाते क्या बोलते, माँ मैंने सुबह से खाना नहीं खाया, जब तक तू नहीं खाएगी मैं नहीं खाऊंगा, तू पानी नहीं पिएगी, बोलो मैं। एक दिन क्या हुआ मेरे दोस्तों, ये अल्लाह की तरफ से होता है। एक दिन क्या हुआ, वो आए भाई, जमाने से आते थे, जल्दी जल्दी आए, बोलो सबसे पहले क्या किया, खाना पकाया, ठंडा पानी तैयार किया, फिर माँ के पास आए, माँ माँ उठ जा, माँ माँ उठ जा, मैंने खाना तैयार किया, माँ माँ मैंने पानी तैयार किया, माँ मैं खाऊंगा नहीं जब तक तू नहीं खाएगी, माँ मैं पानी नहीं पीऊंगा जब तक तू नहीं पिएगी। माँ को उठा, लेकिन आज माँ उठ ही नहीं रही है, बोलो माँ उठ, कितने साल की थी माँ, बोलो माँ उठ नहीं रही है। तो अड़ोस पड़ोस को जमा किया, सबने कहा तुम्हारी माँ का तो इंतकाल हो गया, बोलो इन्ना लिल्लाही। मेरे दोस्तों सच बताओ, वो साहबी पे क्या गुजरी होगी, वो अपने माँ के पाँव को पकड़ कर कहते माँ खाना तैयार है, माँ माँ पानी तैयार है, माँ माँ रोजाना तेरे पाँव दबाता तेरे सर दबाता, अब तू चली जाएगी तो मैं कहाँ माँ कहाँ ढूंढने के लिए जाऊंगा। लेकिन मेरे प्यारो जो जाने वाला वो आने वाला, अब सब लोग सुनना, वो माँ का जनाजा उठा, बोलो माँ का जनाजे की नमाज हो गई, गुसल हो गया, कफन हो गया, जनाजे की नमाज हो गई। जब जनाजा उठा, ये भी अपनी माँ के जनाजे को कंधा दे रहे, मालूम ने क्या हुआ, जोर से जमीन पे गिर पड़े, बोलो जोर से, बेहोश हो गए। लोग उनको होश में लाए, साहबी है, लोग उनको होश में लाए और कहा माँ की उम्र हो गई, अब माँ मर गई चली गई, उसमें तुम काय को बेहोश हो जाते हो। उन्होंने एक जवाब दिया, ए वसई वालों ये जवाब याद रखना, सोने के हुरूफ से लिख लेना। उन्होंने क्या जवाब दिया, जवाब दिया माँ मरी इसलिए नहीं रोता, साथ में बोलो माँ मरी इसलिए नहीं रोता, मैं रोजाना माँ की खिदमत करता था, पाँव दबाता था, माँ का सर दबाता था, माँ के सर पे तेल रखता था, मैं खाना पकाता था, पानी तैयार करता था। लेकिन कहा जब मैं माँ की खिदमत करता था ना, बाहर आके आसमान की तरफ देखता, अल्लाह मुझको मेरी जन्नत बताया करता था। कहा आज जब से खबर मिली मेरी माँ का इंतकाल हो गया, बाहर आता हूँ अल्लाह मुझे जन्नत नहीं बताता। कहा भी जनाजा चला, मैं कब से आसमान की तरफ देखता हूँ, मेरा अल्लाह मुझे जन्नत नहीं बताता। इसलिए वो साहबी ने कहा मैं इसलिए नहीं रोता कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया, इसलिए रोता हूँ मेरी माँ का जनाजा नहीं जा रहा है, अल्लाह मेरी जन्नत को मेरी आंखों के सामने से लेके जा रहा है। मेरे प्यारो अगर उनकी माँ उनके लिए जन्नत है तो हमारी माँ भी। इसलिए एक काम करोगे, नहीं बोलो ना करोगे, आप बयान में नहीं बैठो वो चलेगा, लेकिन ये काम करोगे, बोलो करोगे, जाओ अपनी माँ के पास जाओ, जाओ और आप आओ। मुझे मालूम है घर में वाइफ भी है, घर में माँ भी है, टेंशन होता है, बोलो टेंशन होता है कि नहीं होता, लेकिन जाओ ना अपनी माँ के पास जाओ और माँ को जाके कहो, माँ
तुझे मालूम है मेरे घर का क्या हाल है माँ, माँ माँ मैं कमजोर हूं माँ, और माँ को कह दो माँ तेरे इतने बेटे उसमें सबसे ज्यादा नालायक मैं हूं। माँ के सर पे हाथ रखकर बोलो माँ मेरे को माफ कर दे ना, माँ माँ मेरे को माफ कर दे। हदीस पाक में लिखा कोई मोहब्बत से माँ की पेशानी को चूमता है अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है। हदीस पाक में लिखा कोई माँ को मोहब्बत से देखता है अल्लाह उसको एक हज का सवाब अता कर देता है। तो जाओ माँ के पास, जाओ माँ को कहो माँ मेरे को माफ कर दे। मैं सही कहता हूँ मेरे दोस्तों, माँ की ममता जोश में आएगी, वो अपना कांपता हाथ आपके सर पे रखेगी और कहेगी जा बेटा जा, मैंने माफ कर दिया। सुनो माँ जब जमीन पर बोलती है ना मैंने माफ कर दिया, अल्लाह आसमान पर फरिश्तों को कहता है अरे माँ ने बेटे को माफ कर दिया। मैं 99 दर्जे ज्यादा मोहब्बत रखता, मैंने भी मेरे बंदे को माफ कर दिया। इसलिए मेरे प्यारो, 3 की जगह मैंने 4 बातें कह दी।